वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम आपको केमिस्ट्री के 5 to 15 मार्क्स तैयार कराएंगे। इनमें से 5 या 15 मार्क्स का आपका पेपर में आता रहता है, जो आप लोग बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखना, वो 5 से 15 नंबर का आपका क्या आता है, मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ। एक तो नाम वाली अभिक्रिया आती है, एक कैसे प्राप्त करोगे ये आता है, एक क्या होता है जब ये आते हैं, और इन तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री की नाम वाली रिएक्शन याद कर लें, और जब आप नाम वाली रिएक्शन याद कर लेंगे तो आपके 5 to 15 मार्क्स ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो आइए, आज मैं आपके सामने मतलब कुछ रिएक्शंस लेकर के आया हूँ, आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा और कवर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले अभिक्रिया है हमारे पास वोल्टेज अभिक्रिया, जो कि हमारे पास 2010, 2011 और 2015 और 2016 और 2017 और 2019 लगातार 5-7 साल आपकी रिपीट हुई है, और इस साल 2021 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक हमारे पास हैलाइड होता है, कोई भी क्या होता है, एल्किल हैलाइड होते हैं, उसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है। फिर अभिक्रिया होने के बाद आपका डबल एल्केन बनता है और साथ में आपका क्या बनता है, NaX। और आप लोग याद रखना कि अभिक्रिया आपकी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कैसे होता है कि ये डबल होता है, ये डबल होता है, तो आप लोग है ना जैसे रिएक्शन करते हैं तो आपका डबल R+NaX बन जाता है, 2 NaX। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो कैसे हुआ, तो ये जो आपका RX था, एक मैंने यहाँ पर लिख लिया और दूसरा मैंने सोडियम यहाँ पर दोनों Na लिख लिए, और फिर जो हमारे पास दूसरा था उसको हमने XR ऐसे करके लिख लिया। अब आप लोग देखिए, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर से ऐसे कट कर दूँ तो आप लोगों का क्या बनेगा, देखिए X और X यानी कितने, 2X और 2 Na। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, जब यहाँ पर की तरह आप यूज़ करोगे तो आपका बन जाएगा R और R। कैसे, ये देखो बीच का मटेरियल निकल जाएगा और आपका R और R कंबाइन हो जाएगा और साथ में आपका क्या बनेगा, 2 NaX बन जाएगा। ओके, आप लोग रिएक्शन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ सोचने की है कि यहाँ पर आपका एल्केन अगर एयर था तो यहाँ पर कितना हो गया, डबल हो गया है। तो इस बेस पर हम इसको दो बार कवर कर सकते हैं। आइए अब हम सेकंड अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। सेकंड अभिक्रिया भी सेम ऐसी ही है, और वो भी आपकी 1, 2, 3, 4 और 5 लगातार 5 साल रिपीट हुई है, जिसका नाम है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो आप लोग वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को भी ध्यान से देखिएगा। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका एक तो एरोमेटिक बेंजीन होता है, या फिर आप लोग याद रखिए एरिल हैलाइड होता है, जिसको हम ARX के नाम से भी लिख सकते हैं। किससे, ARX के नाम से भी लिख सकते हैं। और फिर क्या होता है कि सोडियम होता है, और फिर आपका जो मतलब एल्किल हैलाइड होता है, तो रिएक्शन कराते हैं सेम जैसे कि ड्राई ईथर या फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने के बाद आपका क्या बन जाता है, ये जो आपका था एक्स, ये एक्स और ये सोडियम और ये X, दो से बैलेंस कर सकते हैं, तो ये दोनों कंबाइंड होकर के आपका 2 NaX के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और ये R आपका हट करके यहाँ पर लग जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, एरिल एल्किल, या फिर आप कहो कि सिंपल आपका यौगिक बन जाता है जो एल्केन की श्रेणी में आता है, और 2 NaX आपका बाहर निकल जाता है। इसको भी अगर हम सही तरीके से लिखें या फिर इसके अंदर की अभिक्रिया को जाने तो अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो आपका था क्या था, एरिल हैलाइड, और यहाँ पर आपका 2 Na जो सोडियम था, और फिर आपने यहाँ पर क्या किया, XR था। तो आप इसको ऐसे तोड़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद ये जो आपका R था यहाँ से हट करके सीधा यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका R, और ये आपका बेंजीन कंप्लीट, 2 NaX आपका पूरा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो हमारे पास कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये 2014, 2016, 2017, 2019 में रिपीट हुई है, और आपको मैं सामने लास्ट में पेपर भी दिखाऊंगा कि पेपर में किस टाइप से ये अभिक्रिया आती है। तो आप लोग चलते हैं इस अभिक्रिया को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस अभिक्रिया में जो आपका होता है वो भी आप ध्यान से समझिएगा। इस अभिक्रिया में आपका होता है RnH2, और इस ग्रुप को हम सीधे किस में कन्वर्ट करते हैं, आइसोसाइनाइड में। किस में कन्वर्ट करते हैं, आइसोसाइनाइड में।
यानी आप लोग याद रखिएगा NH2 ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, RNC में कन्वर्ट करते हैं। याद रखने की कोशिश करना आप लोग, जब भी रिएक्शन को अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग याद करिएगा उसके ग्रुप से। तो हम क्या करते हैं, कार्बिल एमिन अभिक्रिया में NH2 ग्रुप को NC में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए आप लोग समझिए, RNH2 यानी एमीन को आप लोग अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से, और किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। जैसे ही आपकी रिएक्शन होगी यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे एल्कोहलिक, जैसे ही आपकी रिएक्शन होगी तो आपका RNC प्लस आपका क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका 3KCl बनेगा और प्लस आपका क्या बनेगा यहाँ पर 3H2O। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप एक बार इस रिएक्शन को यहाँ पर से समझ लें तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। अगर यहाँ पर आपका बेंजीन लगता है और यहाँ पर आपका NH2 होता है, यानी कि आपका क्या होता है, एनिलीन होता है, और आपकी रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से कराई जाती है, तो आप लोगों के अगर याद हो तो इस फॉर्मेट में ये NH2 NC में बदल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इस NH2 को NC में चेंज कर देंगे, और NC में चेंज करने के बाद 3KCl प्लस आप 3H2O लिख देंगे। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे पास जो NH2 है वो सीधा NC में बदलेगा, किस अभिक्रिया में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। अगर आप ये समझ गए तो समझो आपकी अभिक्रिया बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं एल्डोल संघनन की। एक अभिक्रिया हमारे पास है एल्डोल संघनन, यह आपकी बहुत ज़्यादा टफ अभिक्रिया है। आप लोग इसको एक बार नहीं कम से कम दो बार वीडियो को पॉज कर करके समझने की कोशिश करें। यह आपकी 2011, 2013 और 2015 में आई है, और इस साल भी इसकी आने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल आपका जो फिजिक्स का पेपर था वो ईजी था, और सॉरी हार्ड था, और केमिस्ट्री का पेपर आपका ईजी था। इस साल की जो संभावनाएँ हैं वो फिजिक्स का पेपर आपका सिंपल यानी इजी होगा, और केमिस्ट्री का पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड यानी टफ होगा। और जब टफ पेपर होता है तब एल्डोल संघनन जैसी अभिक्रियाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आइए इस अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से मैंने कोशिश करिएगा एल्डोल संघनन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शन होती है। सबसे पहले इसकी शर्त ये होती है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा वही ये अभिक्रिया दे सकते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। अब आप समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक मतलब पदार्थ ले लेते हैं CH3, CH2 और CH2 COOH। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपका COOH है ना, आप लोग इस यौगिक को छोड़ करके, इस समूह को छोड़ करके आप लोग उससे पहले वाले कार्बन पर जाना, और अगर इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु है, देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये दोनों हमारे पास है ना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अगर इससे अगले पर बढ़े, इस पर भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो इनको हम बीटा हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन परमाणु। अगर हम इस पर चलते हैं तो ये हमारे पास गामा हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गामा हाइड्रोजन परमाणु। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा तभी जाकर ये अभिक्रिया होगी। तो आइए अब हम इस अभिक्रिया के बारे में मतलब सोचते हैं, मतलब इस अभिक्रिया को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे अभिक्रिया संपन्न होगी। इस अभिक्रिया में आपका होता क्या है, आप लोग ये समझने की कोशिश करना। इसमें आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड यानी कि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दोनों ही अभिक्रिया देते हैं। ये भी आप लोग इसको समझ लेना आप लोग ध्यान से, क्या होता है कि CHO यानी कि CHO जिसका आप लोग प्रक्रियात्मक समूह ऐसे लिखते हैं, यानी कि COOH यानी कि जिसका प्रक्रियात्मक समूह आप ऐसे लिखते हैं, यही इस अभिक्रिया को देने में सक्षम होते हैं। तो आइए मैं आपको एक अभिक्रिया इसकी करा करके दिखाता हूँ, फिर इसमें बहुत बार हम प्रोडक्ट बना करके देखेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लो हमारे पास इसकी अभिक्रिया हुई CH3CHO के साथ में, और दूसरा प्रोडक्ट था हमारे पास CH3CHO, क्योंकि इसके दो ही मतलब यौगिक एक टाइम में यूज होते हैं, और फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, तनु NaOH या फिर KOH के साथ में। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CH फिर OH और फिर आपका बनता है CH2CHO। मैं भी आपको ये सारी चीज़ ध्यान से समझाने का प्रयास करूँगा। फिर इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इसका मतलब H2O की उपस्थिति में क्या करते हैं अपघटन करते हैं। तो अपघटन करने के बाद जहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड OH होता है वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लग जाता है और आपका CHO इस प्रकार बन जाता है। तो आइए अब हम इसको ध्यान से समझने की प्रयास करते हैं। तो पहले मैं इस पर लिखता हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड H, तो ये हमारे पास क्या है CH3CHO।
फिर हम अगले की बात करते हैं, तो अगला हमारे पास किस तरह होता है, CH3CHO, तो ये हमारे पास दूसरे वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब इसको कंबाइंड करते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे पास H होता है, ये जो हमारे पास H होता है, ये हमारे पास यहाँ से हट जाता है, ये हमारे पास है ना कंबाइंड करके, ध्यान से समझ लेगा आप लोग, ये हमारे पास जो H होता है ये यहाँ पर से हट जाता है और इसकी पोजिशन यहाँ पर आ जाती है, और इसमें से एक हट करके यहाँ पर पहुंच जाता है और ये कंबाइंड हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए आप लोग समझे इस चीज को, जब ये H यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे CH3C, ये H आपका नीचे है और फिर ये आपका O था, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंचा तो क्या हो गया, OH हो गया, और फिर ये आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बन गया, CH2, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड H हो गया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, आप लोग समझने की कोशिश करिए, CH3C और ये हमारे पास H, ये जो OH है इसको हम यहाँ पर शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, और फिर ये आपका CH2CHO हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान से देखिए, ये जो आपका प्रोडक्ट है और ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये दोनों आपका एक जैसे हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, वो मैं यहीं पर आपको करके दिखाता हूँ। जल अपघटन करने पर ये जो आपका OH है ना, एक ये और एक H इसका, और जैसे ही H देखो H यानी कि H2 और O आपका ये यानी जल बन गया, तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो जब निकलेगा तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, ये आपका CH हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम यानी CH, फिर आपका क्या बन जाएगा, CHO। और आप लोगों को मैं इसलिए ही अलग पेज पे इसको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे हटा करके दोबारा से देखना, आपकी एक बार में ये समझ आ जाएगा। ओके, इसी के बेस पर एक और रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या नाम है उसका, क्रॉस एल्डोल संघनन, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड रिएक्शन है, लेकिन अगर आप वीडियो देख सकते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आइए अब हम अगली वीडियो अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी आपकी लगातार 4 साल तक रिपीट हुई है, तो आप लोग एक बार समझने की कोशिश करिए। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2010, 2014, 2015 और 2017 में बार बार रिपीट हुई है और ये आपकी 2 नंबर की आई है, तो हम शुरू करते हैं इसको भी। तो आप लोगों को मैं बताऊं, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी हर चैप्टर में है और हर चैप्टर में आप लोग इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। इसका मैं आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है, किस बेस से आप इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले एक अभिक्रिया ले लेते हैं, तो मान लो हमारे पास ये बेंजीन है और बेंजीन की आपने अभिक्रिया करी क्लोरोफॉर्म के साथ, CH3Cl के साथ, तो नहीं मेथिल क्लोराइड के साथ में, तो आप लोग यहाँ पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अगर यूज कर लेते हैं AlCl3, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बेंजीन के साथ में यहाँ पर लग जाएगा CH3, यानी आपका क्या बनेगा, टोलिन, क्या बनेगा आपका, टोलुइन, और प्लस आपका बन जाएगा HCl, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे हुई, फ्रिडल क्राफ्ट की अभिक्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार बार पेपर में यूज हुई है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ आप लोगों को, मान लो आपका ये क्या है, बेंजीन है और आपने किसके साथ अभिक्रिया कराई, CH3COCl के साथ में, और आपने यहाँ पर लिख दिया निर्जल AlCl3, तो जब आप ये लिखोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन के ऊपर क्या, ये जो आपका CH3CO है, सी ये हमारे पास OCH3 आपका बन जाएगा, प्लस आपका बन जाएगा HCl, ये भी आपकी क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आप लोग याद रखना, अगर आपका कहीं भी निर्जल AlCl3 आ जाए तो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो और फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जब भी आप यूज करोगे तो वहां पर आपका HCl या फिर साइड प्रोडक्ट आपका छोटे वाला निकलेगा, कैसे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो Cl है ना आपका, ये यहाँ पर हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा और जुड़ने के बाद सीधा HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा CH3 वो आपका सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन आपका Cl के साथ कंबाइंड हुआ तो बन गया आपका HCl, और ये CO से सीधा उठा यहाँ पर कंबाइंड हो गया तो आपका ये बन गया। तो इसी तरह हम इसकी बहुत सारी अभिक्रिया बना सकते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, अगर आपका कहीं भी निर्जल AlCl3 दिखाई देता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपकी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, क्योंकि बहुत बार पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन के नाम से भी ये पेपर में छपी है। ओके, आइए हम आगे चलते हैं, अगली जो अभिक्रिया है हमारे पास वह है कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी आपके लगातार 4 साल 2014, 2017, 2019 और 2020 में रिपीट हुई है
बहुत अच्छी रिएक्शन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें जो हमारे पास है ना कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया में, तो क्या होता है आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जब हमारे पास कोई मतलब ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। और आप लोगों ने अभी पढ़ी कौन सी अभिक्रिया, अभी आप लोगों ने पढ़ी है एल्डोल संघनन, उसमें शर्त यह होती है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। ओके अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। तो जब नहीं होगा तब अभिक्रिया होने के बाद आपका एल्केन बनेगा, क्या बनेगा एल्केन, ये आपकी CHO यानी एल्डिहाइड में स्पेशली पाई जाती है। और क्या बनाती है आपकी एल्केन बनाती है, क्या बनाती है एल्केन, यानी CHO समूह को सीधा CH2 में कन्वर्ट कर देती है। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए अगर आपका 2HCHO है और आपने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो आपका पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा आपका CH3, क्या बनेगा CH3OH, और ये जो आपका CH3COH है और प्लस बनेगा आपका HCOONA। जब आपकी है ना HCONA है, आप इसकी दोबारा से अभिक्रिया कराएंगे किसी के साथ में जल के साथ में, तो ये HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों की साफ साफ समझने की बात यह है कि आप इसको CHO को यहाँ पर किस में कन्वर्ट करें, CH3OH में। कैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास है ना CHO, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H और फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आपका जैसे NaOH के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर ये कितने हैं 2, तो एक के साथ में तो हमारे पास है ना क्या लग जाएगा ये OH लग जाएगा, और एक के साथ में हमारे पास क्या लग जाएगा Na, क्या लग जाएगा Na। तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए एच सी और फिर यहाँ पर एच और फिर यहाँ पर ये जो ओ है ना ओ आपका, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका ओ एन ए, और ये जो हाइड्रोजन है आपका दूसरे के साथ में कंबाइंड होगा एच और सी फिर एच फिर एक हमारे पास यहाँ पर एच हो जाएगा और एक हमारे पास क्या लग जाएगा ओ एच। तो आप इसको जब शॉर्ट में लिखेंगे तो CH3OH यानी आपका ये हो जाएगा, और जब आप इसको लिखोगे तो CH3 मतलब CH2 मतलब ये हमारे पास HCOONA बन जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, HCOONA बन जाएगा। थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हमारे पास है ना ये दो बार है, तो दो बार मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया तो एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये जो हमारे पास NaOH है ये टूट करके जा रहा है, H तो इसके पास में जा रहा है और ONA इसके पास में जा रहा है, तब जाके हमारे पास कंबाइंड होकर के पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग इन चारों वीडियो मतलब चारों हेडिंगों को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और आप लोग पेपर में कैसे इसको प्राप्त करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग एक बार पेपर में देख लीजिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक सैम्पल पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये पेपर है आप लोगों का मॉडल पेपर 2 और ये पेपर आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी आप लोग समझिए। लास्ट में आप लोगों का होता है यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक है और एक है। तो यहाँ पर आपका फिनोल क्या मिलता है इस टाइप में क्वेश्चन ये डायरेक्ट मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप लोग क्या है, रायमन टीमन अभिक्रिया आई है, कोलबे अभिक्रिया आई है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आई है, स्टीफन अभिक्रिया आई है, क्लेजन स्मिट अभिक्रिया आई है। अभी मैं इनको सारी को समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को पैटर्न वाइज सारे की सारी रिएक्शन समझाऊंगा, और सारी रिएक्शन आपकी कौन कौन सी हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर टोटल रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को कौन कौन सी समझाई, यहाँ पर देखिए वोल्टेज अभिक्रिया समझाई, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, कैनेजारो अभिक्रिया, कार्बिल एमिनी अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। अभी अब मैंने आप लोगों को 6 अभिक्रिया टोटल समझा दी हैं, और टोटल अभिक्रिया जो है ना हमारे पास वो टोटल कितनी है 33 हैं, और इन 33 में से आप लोगों के 5 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।